सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज है भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन और आपको भी भाई कंटेंट में कुछ बहुत यूनिक कुछ हटके दिखेगा, क्योंकि गाइज आज हम एक सामान कहूँ या क्या कहूँ चीज कहूँ क्या कहूँ यार, चलो वो अभी आपको सरप्राइज दूंगा मैं। तो हम एक चीज़ लेके आए हैं और वो मेरे यूज के लिए है भाई, और उसकी हम करने वाले हैं आज अनबॉक्सिंग। तो मेरे आपने कम से कम 4-5 दिन पहले के ब्लॉग अगर देखे हैं तो उसमें मैंने कहा ना कि मैं एक नई चीज़ लाने वाला हूँ और उसमें भी हम कंटेंट तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समझने वाले समझ ही गए होंगे। तो ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए अब हम चलते हैं उस चीज़ के पास, ठीक है। तो बाहर छत में मैं ला के उसको रख चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अभी मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ आखिर वो चीज़ है क्या। तो थोड़ा इंतज़ार करिए भाई, थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि सब्र का फल तो मीठा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ये था भाई सरप्राइज। अब ये सरप्राइज भाई आपके लिए कंटेंट का काम करेगा और मेरे लिए मेरी सेहत का, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ी यार नॉइज आएगी क्योंकि बाहर हवा चल रही है, अंदर जाके पहले बात कर लेते हैं आपसे। तो गाइज यही था भाई सरप्राइज, क्योंकि भाई बहुत टाइम से मैं कह रहा था ना कि पेट बढ़ गया है, पेट बढ़ गया है। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था ना, तो उस टाइम पर भाई अपनी मम्मी से कह के रेंजर साइकिल मंगाई थी पिथौरागढ़ से। और रेंजर साइकिल जब आई थी ना, तो भाई आप सच नहीं मानेंगे मैं कितना पतला था। उसमें क्या होता था कि हम जाया करते थे होड़कन्ना पानी भरने दोस्तों लोग, और सारे दोस्तों के पास साइकिल थी, किसी के पास एटलस साइकिल थी, किसी के पास रेंजर साइकिल थी। तो उससे होता था क्या था कि मतलब वर्जिश भी हो जाती थी और अपना काम का काम भी हो जाता था। फिर भाई समय बदला, युग बदला, वक्त बदले, भाई लोग साइकिल से बाइक पाए, बाइक से फिर कार में गए, और कई कई घरों में तो भाई चलाने वाले दो ही हैं, लेकिन चार चार बाइक, पांच पांच कार ऐसे भी हैं, है ना। तो लोगों के भाई शौक बढ़ते रहे उनकी आमदनी के हिसाब से, बट हम एक चीज़ भूल गए कि भाई इन सब चीज़ों के पीछे हम जितना हम आराम की लाइफ जी रहे हैं, उसके पीछे हम कहीं ना कहीं अपना स्वास्थ्य भी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि गाइस साइकिल में होता क्या है कि पूरा जो है कि वर्कआउट हो जाता है, फिजिकली वर्कआउट हो जाता है ना, बट अगर हम वहीं पर बाइक चलाएँ, वहीं पर हम कार का प्रयोग करें, तो भाई वर्कआउट नहीं हो पाता अपना, क्योंकि आराम होता है। अब भाई उसमें समय तो बचता बचता है, लेकिन ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम में अगर हम आधा घंटा या एक घंटा साइकिलिंग कर लें सुबह को प्रातःकाल जल्दी उठ के, तो भाई अपना पूरा का पूरा वर्कआउट हो जाता है। तो इसी के वजह से भाई मैंने साइकिल बाय करी, ठीक है। बाकी गाइस साइकिल मैंने ले ली थी 2-3 दिन पहले, लेकिन व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट जब फोटो ऐड करी थी मैंने साइकिल के साथ, तो वो करी थी मैंने आज से 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो इसमें मैं तीन दिन हो गए मेरे को गए हुए सुबह सुबह, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया मतलब रिजल्ट भी आया भाई, 3 दिन में रिजल्ट आ गया। तो लगा लो अगर 3 महीने हो जाएंगे और फिर 3 साल हो जाएंगे इसको चलाते चलाते, तो कितना अच्छा वर्कआउट हो जाएगा और कितना अच्छा रिजल्ट आए। 3 दिन पहले जब मैंने साइकिल बाय करी तो मेरे को बैठी थी 8,300 रुपये के आसपास, 200 रुपये उन्होंने कम करे थे भैया ने, पिथौरागढ़ से मैंने ली थी। और ये भाई नॉन गियर है, ठीक है, गियर वाली नहीं है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं डबल डिस्क है इसमें भाई। तो पहला डिस्क ही रह गया टायर में और दूसरा डिस्क रह गया बैक वाले टायर में, ठीक है। बाकी भाई इसमें सीट एडजस्टेबल भी दिया, मतलब सीट एडजस्ट आप कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से सीट जो है कि ऑटोमेटिक दे रखा है, जिस हिसाब से भाई बंदे की हाइट होगी उसी हिसाब से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, क्यों ना, तो है ना। बाद भाई नॉन गियर वाली साइकिल मैंने इसलिए ली क्योंकि इसमें जो है ना थाई जो होती हैं, यानी कि जो पैर हैं भाई, उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। गियर वाली साइकिल थोड़ी हल्की रह जाती है क्योंकि हम उसमें गियर एडजस्ट करते हैं। गियर वाली साइकिल को मैं ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे चाहिए वर्कआउट, सवेरे लगभग 4-5 किलोमीटर में चला लूँ उतना। अब भाई जिस बंदे को गियर वाली साइकिल से लंबा सफ़र तय करना है ना, 20-30 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए सही रहती है। बाकी भाई गियर में क्या होता है कि भाई उतना मैं संभाल नहीं पाऊँगा यार, केयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम टाइम पे भाई
मैकेनिक को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका एक गियर भी ख़राब होता ना तो पूरी साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। अब गियर वाली साइकिल मैंने इसलिए भी नहीं ली गाइस क्योंकि मेरा बजट भी उस लायक नहीं था कि भाई मैं गियर वाली साइकिल ले लूँ, क्योंकि अगर एक अच्छी क्वालिटी की आप गियर वाली साइकिल लेते हैं तो कम से कम आपको 15,000 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। 15,000 से नीचे आएंगे तो उतना तगड़ा फ्रेम नहीं रहता, उतने तगड़े गियर उसके नहीं रहते हैं। अब होता क्या ना, देखो अपनी लाइफ ऐसी है, बिजी शेड्यूल है, ठीक है, डेली व्लॉग भी करना है, घर के काम अलग होते हैं, है ना, अपनी लाइफ अलग है, तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा मैं वक्त दे सकता हूँ। और अगर मैं गियर वाली साइकिल लेता तो एक तो मेरा बजट गड़बड़ा जाता गाइस, लगभग मैंने 15,000 से ऊपर ही जाना पड़ता, तब जाके एक अच्छी क्वालिटी की गियर वाली साइकिल आती। बट ये मेरे को लगभग 8,300 रुपये में अच्छी खासी साइकिल बैठ चुकी है, तो डबल डिस्क है इसमें और आगे शॉकर्स भी हैं, ये मैं बताना भूल गया था आपको। तो ये शॉकर है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं भाई ये, स्पीड ब्रेकर में तो बहुत बढ़िया, क्योंकि शॉकर में क्या होता है ना, इफेक्ट कम पड़ता है, जो आपको फ्रेम दिख रहा है इसमें इफेक्ट कम पड़ता है। इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो ये दिख रही है आपको चैन ना, ये भी बहुत बढ़िया वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने खड़े पैडल भी मारे इसमें, और बहुत जल्दी भाई आपको जो है कि साइकिल से भी मैं व्लॉग देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास चेस्ट माउंट है GoPro का, जिसको मैं अपने चेस्ट पर लगा के जस्ट यहाँ पर ना, यहाँ पर अटैच करके साइकिलिंग करूँगा, तो उससे और खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों सीट एडजस्ट यहाँ पर से हो ही जाएगी, ठीक है, यहाँ पर से एडजस्ट हो जाएगी सीट, और हैंडल वगैरह भी ठीक है, मजबूत है भाई, अजय मैं टायर देख सकते हैं आप, ठीक ही है, ज़्यादा चौड़े तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भाई इस रेंज में आपको अगर इतने मोटे टायर मिल जाते हैं, मतलब चौड़ाई भी, और देखो गिरी भी बहुत अच्छी है टायर होगी, ठीक ही है भाई, है ना, और शॉकर भी बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डिस्क आप देख ही सकते हैं, मजबूत है भाई, आजा मैं डिस्क भी, कोई शिकायत नहीं है, वायर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। तो कुल मिला के भाई 8,300 रुपये में मेरे को बहुत अच्छी साइकिल मिल गई, यानी कि मतलब 8,500 का इसका प्राइस था, बट 200 रुपये भाई भैया ने कम करे थे, ठीक है, वो इसलिए कम करे थे क्योंकि 99 की साइकिल हाल ही में मैंने वहीं पर से अभी बाई करी थी, तो इस वजह से उन्होंने भाई ये सोचा होगा कि चलो यार अपने परमानेंट कस्टमर है तो 200 रुपये कम कर देते हैं। बाकी दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से साइकिल बाई कर सकते हैं, गियर वाली साइकिल भी सही हैं और नॉन गियर वाली साइकिल भी सही हैं, बट अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं किसी भी साइकिल की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए भाई दोनों तरह की साइकिलें बेस्ट हैं, ठीक है। बाकी गाइस अनबॉक्सिंग लगभग मैंने करी दी थी, बस ये पन्नी इसलिए नहीं हटाई क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था भाई, अपनी फैमिली मेम्बर हैं आप, और आपके लिए अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो 3 दिन मैंने चला दी है, तो आज मैं करता हूं इसकी अनबॉक्सिंग बची कुची भाई, क्योंकि ये पूरा रैपर थी, पूरा मतलब पूरा रैप थी, ठीक है, इस तरीके की पन्नी थी, तो मैंने हटा दी है, बट अब जो रही सही पन्नी है वो अब मैं अभी आपके सामने हटाता हूँ, और इसका जो है कि ओरिजिनल लुक भी आपको देखने को मिलेगा उसके बाद। अनबॉक्सिंग तो आपने कई देखी होंगी कई प्रकार की, लेकिन साइकिल की अनबॉक्सिंग चाकू से ये आप पहली बार देखोगे। तो फिलहाल मैं अपनी कैमरामैन लतू से कहूँगा कि भाई बढ़िया तरीके से शॉट लेना, ठीक है। हाँ। अभी आप हमारे कैमरामैन हो तो शूटिंग का पूरा ख्याल आपने करना है, तो थोड़ा करीब आइए ताकि पन्नी काटते हुए हम दिखाएं अपने दर्शकों को, ठीक है। तो गाइस यहीं पर से हम स्टार्ट करते हैं और साइकिल का जो है भाई अनबॉक्सिंग करते हैं, उसका ओरिजिनल लुक भी देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं देखा भाई ओरिजिनल लुक इसका ना, देखते हैं अंदर यार इस तरीके की साज सजावट है, क्या बात है भाई। अब करते हैं भाई स्टीयरिंग की अनबॉक्सिंग, पन्नी से निकालते हैं, लेकिन
बढ़िया कर रखी है ना, पैकिंग काफी अच्छी कर रखी है मजबूती के। अब सॉकर की भी तो है ये। अरे भाई साहब यहाँ भी है, इतनी सारी कन्या है। ओ भाई काफी बुद्धि से वो कर रखी है ना, चिपका रखी है। ताकत लग रही है इसमें तो बहुत। चाकू से काटो ना। हाँ कितनी खूबसूरत लग रही है साइकिल। आखिरकार भाई अनबॉक्सिंग कर ही ली। भाई साहब मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को लगभग 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा अनबॉक्सिंग करने में, क्योंकि भाई इतना कूड़ा निकला है ना ये देखो, और कितना वजन कम हुआ होगा साइकिल में। आपको महसूस हो रहा है कि इतना कूड़ा निकला हमारी साइकिल से। भाई साहब हल्की भी हो रही होगी अब थोड़ी हल्की भी। सो गाइस भाई मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा कूड़ा निकलेगा इस साइकिल से, उंगलियों में दर्द हो गई है। तो भाई देखो कितनी खूबसूरत लग रही है यार। तो भाई मैं इसी पल का तो इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं, लेकिन वक्त मुझे आज तीसरे दिन मिला भाई साइकिल लेने के बाद। ठीक है, क्या खा रहे हो? भुट्टा भुट्टा खा रहे हो? और सबसे अच्छी चीज़ ये भी पहचान में आ गई मेरे, देखो इतना मोटा फ्रेम है भाई। अभी लग रहा ना फ्रेम में कोई वो नहीं है, मतलब क्या हुआ पेट दर्द? चने खा दिए और खाओ ये देखो ना। सो दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि भाई फ्रेम देख के मैं खुश हो गया हूँ, मजबूती है भाई फ्रेम के साथ, ना इंसाफी नहीं की गई है कंपनी ने। ये देखो मेरी, ये देखो हथेली में नहीं आ रहा भाई ये है ना, मोटा फ्रेम है तो मजबूती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही भाई अपनी साइकिल, और मैंने आपको जानकारी दे दी है भाई, 3 दिन में मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। मतलब पेट की जो वो थी ना आते हैं अब वो सही वर्क कर रहे हैं, कि यार आजकल का फिर खान पान भी आपका पता ही है, मतलब आदमी का हर चीज़ तो केमिकल ही है यार, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है। तो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से भाई आप सवेरे आधा घंटा एक घंटा निकाल सकते हैं, या सवेरे या शाम को जैसे भी आपको टाइम मिलता है। और मैं तो बिल्कुल कहूँगा आपसे कि आप भी जो है कि साइकिलिंग करें भाई, और फर्क भी देखिए आप। ठीक है, तो जिनको जिम जाने का टाइम नहीं होता है, रनिंग का टाइम नहीं होता है, टाइम की कमी है, तो साइकिलिंग कर सकते हैं, पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है। तो इसी वजह से भाई तुम्हारे भाई ने भी साइकिल बाय करी थी, तो मैंने दिखा दिया भाई अनबॉक्सिंग, कीमत मैंने आपको बताई दी, और साइकिल में जो जो चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको लगभग बताई दी है, जितना मैं समझ सकता हूँ जितना भी भाई। ठीक है, बाकी भाई आने वाले व्लॉग में अब आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे मेरे व्लॉगिंग में, साइकिल के साथ में व्लॉगिंग करूँगा। ठीक है, GoPro लगेगा यहाँ, और कभी कभी सरंग लगेगा, क्योंकि मेरे पास सारा सामान है GoPro का। ठीक है, तो उसी तरीके से हम वीडियो बनाएंगे, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा भाई सुबह और मॉर्निंग में साइकिलिंग करने, तो वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आएगा और लोगों की तरह। ठीक है, सो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपको पता ही है, फ़ोन आपका नेट आपका तो मर्जी भी आपकी। सो ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।